आज की वीडियो हम जानेंगे कि चने की फसल में पहला पानी कब दें और इसकी पैदावार बढ़ाने के नुस्खे, जिससे कि इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। चने की फसल में जब भी ये चना 20 से 25 दिन का हो जाए तब आप इसमें पानी दें, एवं दूसरा पानी आप जब फूल आने की अवस्था हो, थोड़े थोड़े फूल दिखने लगें तब इसमें आप पानी दें। इससे पहले आपको पानी 20 से 25 दिन में देना है, और उसके बाद जब थोड़े थोड़े फूल दिखने लगें उसके बाद, और फलियां आने के समय आप इसमें बिल्कुल भी पानी ना दें, और बिना किसी टॉनिक के ही आपका उत्पादन बहुत अधिक होगा, क्योंकि जिससे आपके उत्पादन में वृद्धि होगी वह सिर्फ है पानी। अगर आप इसमें सही समय पर पानी का पानी देते हैं तो इसका उत्पादन भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो पहला पानी आपको 20 से 25 से 30 दिन के भीतर, या 20 से 25 दिन के भीतर दें, एवं दूसरा पानी आपको जब थोड़ा थोड़ा फूल दिखने लगे एक तो पौधे में, तब आप इसमें पानी दें, जिससे आपका उत्पादन बिना किसी टॉनिक के भी बढ़ जाएगा। ये हमारा किया हुआ प्रैक्टिकल है, ये हमने पिछले साल भी प्रयोग किया है और इससे हमें बहुत फ़ायदा मिला है। उत्पादन भी 14 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन मिला है। तो आप भी 20 से 25 दिन में पहला, और फलियां आने से पहले जो कि अवस्था होती है जिसमें थोड़े थोड़े फूल देखने को मिलते हैं, उस समय आप इसमें पानी दें। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करें।